एक कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं 29 तारीख को। लगातार इस कार्यक्रम में सभी जगह हमारे कई केंद्रीय मंत्री आए, हमारे बिहार के नेता जा रहे हैं। पलटू कुमार जी के बारे में पूरा दुनिया जानता है कि पलटी मारने वाला इस देश में कौन है। आज देश में बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम चला। देश के प्रधानमंत्री तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी चुनाव की तैयारी पहले ही चल रही है और पीएम मोदी ने उन तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर और तमाम बड़े नेताओं को मूलमंत्र दिया है कि आखिर बूथ को मजबूत किस तरीके से बनाया जाए। अब जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सीएम नीतीश कुमार पर सामने आ गया। सीएम नीतीश कुमार पर साफ तौर से सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश के बारे में पूरा दुनिया जानता है कि पलटी मारने वाले कौन है, पलटू राम कौन है। वहीं अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में होना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं 29 तारीख को, जिसको लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की जा रही है। और वहीं सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है कि अमित शाह की तैयारी में पूरा बिहार बीजेपी लगा। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, हमारे यहाँ लगातार 40 लोकसभा में कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी जगह आम सभा हो रहे हैं। उसी में से एक कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं 29 तारीख को। लगातार इस कार्यक्रम में सभी जगह हमारे कई केंद्रीय मंत्री आए, हमारे बिहार के नेता जा रहे हैं। आज भी हम लोग पटना ग्रामीण और लखीसराय में कार्यक्रम कर रहे हैं। 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हमारा 29 को लखीसराय के पावन धरती पर है, जो लोकसभा मुंगेर पड़ता है। उस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो समापन की ओर हमारा कार्यक्रम है 30 तारीख को, ये बढ़ेगा। महागठबंधन कह रहे कि विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया है। हाँ, महागठबंधन कह रहे कि विश्वास करना छोड़ दिया है अमित शाह के बातों पर, जुमलेबाजी वाली। देखिए, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये पूरा देश जानता है। पलटू कुमार जी के बारे में पूरा दुनिया जानता है कि पलटी मारने वाला इस देश में कौन है। और हम तो जो 1952 में कहते थे, आज भी भाजपा वही कहती है। जो 1990 में कहते थे, वही भाजपा आज भी कहती है। और 2014 में जिन चीज़ों का वादा किया है, आज भी भाजपा वही कहती है। तो आपने सुना, बिहार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लिए तैयारियों में जुटा है। 40 लोकसभा सीटों पर जो है कार्यक्रम चल रहा है। और वहीं इसी बीच एक सीट पर, यानी बिहार के लखीसराय जिले में, यानी मुंगेर विधानसभा का लखीसराय जिला आता है, वहीं पर अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। तैयारियां पहले से चल रही हैं। जेडीयू महागठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि अब लोग उनको नोटिस नहीं करते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी ने जेडीयू के नेताओं पर भी कड़ा हमला बोल दिया है। सीएम नीतीश पर उन्होंने जमकर निशाना साध दिया। अब देखना है महागठबंधन की तरफ से, जेडीयू के नेताओं की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है। बहरहाल, इस खबर पर सकता है। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।